खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। मलबे से अब तक 3 लोग निकाले गए हैं, ऐसे स्थानीय लोग दावा कर रहे हैं। गलियां बहुत तंग है, ये जो इलाका है वो बेहद पतली पतली गलियों वाला संकरी जगह है। ऐसे में बड़ी बड़ी चुनौती इस वक्त यही किस तरीके से एनडीआरएफ की टीम जब यहां पर पहुंचेगी, क्योंकि अब तक एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची नहीं है और कहीं ना कहीं इसे लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी भी है, गुस्सा भी है कि एनडीआरएफ की टीम अब तक मौके पर क्यों नहीं पहुंची। करीब 2 घंटे हो चुके हैं हादसा हुए हुए, करीब 1 घंटे के आसपास से आपका चैनल एबीपी न्यूज इस खबर पर बना हुआ है, लेकिन अब तक एनडीआरएफ की टीम मौके पर नहीं। बिल्कुल रोमाना, बड़ा अपडेट यही, करीब 12:15 दोपहर यह हादसा हुआ, करीब 1.5 घंटा इस हादसे को हुए हो चुका है, लेकिन एनडीआरएफ की टीम अब भी नहीं पहुंची है। फायर ब्रिगेड हालांकि मौके पर मौजूद है, अब भी एनडीआरएफ की टीम मौके पर नहीं पहुंची है। राहत और बचाव का काम मुंबई पुलिस और फायर ब्रिगेड मिलकर कर रहे हैं, स्थानीय लोग भी हाथ बटा रहे हैं। करीब 12:15 ये हादसा हुआ, ये बिल्डिंग गिरी, एनडीआरएफ लेकिन अब तक यहां पर नहीं पहुंची है। फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद है, मुंबई पुलिस है, स्थानीय लोग भी हाथ बटा रहे हैं, लेकिन एनडीआरएफ की टीम अब तक मौका वारदात पर नहीं पहुंची है। फायर ब्रिगेड रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा हुआ है, लगातार युद्ध स्तर पर लोगों को बचाने की कोशिशें चल रही हैं, लेकिन एनडीआरएफ की टीम अब तक नहीं पहुंची।